गाइज आप सबको मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब भी ठीक होंगे। तो गाइज मैं आज आपके आगे जो ये वीडियो रख रही हूँ, ये मेरी और मंजू की बहुत ही खूबसूरत और कुछ ख़ास यादें हैं जो आप लोगों से साझा कर रही हूँ। और जो मेरे हेटर हैं उनके लिए खुशखबरी है कि अब हमारा रिश्ता जो है ज़्यादा दिन तक या देर देर तक नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो हमारे हेटर चाहते थे कि हाँ इनका रिश्ता तोड़ना है, तो अब हमारा शायद मेरी आदत नहीं है गाइस कि मैं आंसू बहाऊं या मतलब रोने के लिए बैठूं या आप लोगों के सामने मैं अपने आंसू लेकर आऊं, लेकिन जो इस वक्त मेरे दिल के अंदर जो सहलाब दौड़ रहा है वो मैं आप लोगों को बयान नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा कुछ बहुत मतलब स्ट्रगल किया है। बहुत हम तीनों बहन भाइयों ने बहुत सहा है ज़िंदगी में, बहुत कुछ मम्मी पापा की वजह से, तो इसलिए मतलब अंदर से दिल अब वो हो गया बहुत ज़्यादा कठोर, तो मैं नहीं रोती हूँ। मतलब अंदर से दिल मतलब बहुत ज़्यादा भरता है लेकिन मैं रो नहीं पाती, पता नहीं क्यों। और अकेले में तो खैर सभी रो लेते हैं जो नहीं रो पाते, तो अकेले में मैं भी अपने आंसू घेर के जो है दिल हल्का कर लेती हूँ। बाकी पता नहीं क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, भगवान करे कि किसी भी रिश्ते के साथ ऐसा ना हो, क्योंकि हम मिल ही नहीं पा रहे और ना ही हम लोगों में कोई ऐसा ज़्यादा मतलब रिश्ता जो है वो फीका होता जा रहा दिन प्रतिदिन। ऐसा नहीं है, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हमेशा करते रहेंगे एक दूसरे से प्यार। और मैं मंजू की सपोर्ट में कल भी थी, आज भी हूँ और कल भी रहूँगी, उसको मैं हमेशा सपोर्ट करती रहूँगी। मैं क्या ही बोलूँ अब आपको, मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। चलो ठीक है गाइज, बाय है नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, और आप लोग भी हमेशा खुश रहें, यही मेरे दिल से दुआ है।